सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जनता के बीच लोकप्रिय क्यों हैं, इसकी एक वानगी उन्होंने नगर निगम सदन की बैठक में पहुंचकर दे दी। सदन की बैठक में करीब 20 साल बाद पहुंचे सांसद को पाकर पार्षद भी गदगद नजर आए। नगर निगम के विशेष सदन में बतौर पदेन सदस्य पहुंचे सांसद ने सभी पार्षदों का मान बढ़ाते हुए उनकी कार्यशैली और नगर निगम सदन की प्रशंसा की। सांसद ने आगरा की ट्रैफिक कंट्रोल और पार्किंग व्यवस्था के लिए नगर निगम सदन में लाए एक्ट संशोधन की उपविधि की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि सदन में चर्चा का लेवल कहीं से भी लोकसभा से कम नहीं है। उन्होंने इस एक्ट के लिए महापौर की भी प्रशंसा की। सांसद ने अपने संबोधन में बताया कि आगरा की बेहतरी के लिए नगर निगम के साथ ADA पुलिस और प्रशासन में सामंजस्य होना बेहद ही जरूरी है, जिसका वे प्रयास करेंगे। हर सदन का अपना एक महत्व होता है और अपनी एक गरिमा होती है। कभी भी किसी भी सदन को छोटा बड़ा या मध्यम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इस सदन में जो माननीय सभासद जीत करके आए हैं और मेयर साहब जीत करके आए हैं, वो जनता के द्वारा जीत करके आए हैं और कठिन चुनाव जीत करके आए हैं। मेरा सौभाग्य है कि आगरा नगर निगम का मैं प्रतिनिधि सदस्य हूँ, और उसके पहले जलेसर का जब MP होता था वो भी कई बहुत साल रहा हूँ, 3 कार्यकाल रहा हूँ, तो यमुना पार शहर एतमादपुर विधानसभा आगरा में थी। सांसद ने अपने संबोधन में सभी पार्षदों को शुभकामना देते हुए कहा कि वे ऐसा काम करें जिससे उन्हें सांसद और विधायक बनने का मौका मिले। उन्होंने कहा कि ये सदन साक्षी है कि इसका प्रतिनिधित्व करने वाले प्रदेश और देश की पंचायत में पहुंचे हैं, इसलिए पार्षदों को अच्छा काम करना होगा जिससे उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिल सके। उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि वे आगरा का महापौर बनना चाहते थे, जिससे इस शहर की बेहतरी के लिए वे काम कर सकते थे। सांसद बघेल ने पार्षदों से कहा कि वे महीने में एक बार पार्षदों के साथ उनके ही आवास पर बैठक करना चाहते हैं, जिससे आगरा की समस्याओं के समाधान पर सार्थक चर्चा हो सके। उन्होंने कहा कि आगरा की जनता को जागरूक होना होगा, जिससे ट्रैफिक, भूजल और सफाई व्यवस्था बेहतर हो सके। सांसद ने कहा कि आगरा के लिए ताजमहल अब धरोहर नहीं बल्कि बोझ सा बनता जा रहा है। उन्होंने ये बात सुप्रीम कोर्ट और NGT की बंदिशों के परिप्रेक्ष्य में कही थी। चूंकि लोकसभा नहीं चल रही है, शनिवार का दिन है, इसलिए मैंने उचित समझा कि नगर निगम की इस कार्रवाई में भाग लूं, और पार्षदों के और मेयर साहब के बहुमूल्य सुझाव और क्या डिस्कस होता है, शहर की क्या समस्याएं हैं, पार्षदों की क्या अपेक्षाएँ हैं, प्रतिनिधि सदस्य के रूप में और सांसद के रूप में और केंद्र सरकार राज्य सरकार में भी हमारी विकास में भूमिका हो सकती है, तो शहर को समझना है तो नगर निगम की कार्यकारिणी में या नगर निगम के सदन में ज़रूर आना चाहिए। और आज जलकल विभाग का बजट यहाँ पर पेश हुआ, उसी के साथ नगर निगम की बाकी जो स्थगित अधिवेशन था उसकी शुरुआत 2:45 होगी, तो अगले कोई इमरजेंसी वाले फोन जिसमें जाना बहुत जरूरी हो वो छोड़कर मैं इस कार्रवाई में भाग। सांसद जब सदन में पहुंचे तो सभी पार्षदों ने मेजर थपथपाकर उनका स्वागत किया। सांसद भी भोजनावकाश के दौरान पार्षदों के बीच पहुंच गए। उन्होंने कहा कि उन्हें समय से सूचना मिलती रही और लोकसभा का सदन नहीं हुआ तो वे हर वोट मीटिंग में पहुंचने का प्रयास करेंगे। सांसद ने बाद में मीडिया से बातचीत में कहा कि नया पार्किंग एक्ट बेहद ही जरूरी है। निश्चित तौर से विधायक निधि और सांसद निधि से ज्यादा बजट नगर निगम का होता है और NDA का होता है। मैं अभी 15 दिन पहले तक विधायक था, किसी भी विधायक को 2 करोड़ मिल रहे हैं GST काट के, सांसद को 5 करोड़ मिल रहे हैं, तो अगर वो 5 साल रहेगा तो 25 करोड़ ही तो उसका विवेकाधीन कोष है, जिसमें 2 विधानसभाएं नगर निगम में नहीं आती हैं। माने आप पौने दो कह रहे, 3.25 कहना चाहिए, 3.5 भी नहीं कहना चाहिए, तो 3.25 नगर निगम में शेष 2.25 देहात में जहाँ नगर निगम का पैसा नहीं ले सकता, तो 25 करोड़ जैसा छोटा अमाउंट एक सांसद 5 साल लगाए तो 25 करोड़ लगा पाएगा। अब यहाँ खुद ही आप अंदर लगा दीजिएगा कि 25 करोड़ के छोटे छोटे मोहल्लों में काम हो जाते हैं, लेकिन सांसद आगरा के लोकप्रिय सांसद प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने बुधवार को जहां देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में अपने सार गर्वित संबोधन से विपक्ष की भी तालियां बटोरी थीं, तो शनिवार को आगरा शहर की पंचायत नगर निगम में बतौर पदेन सदस्य पहुंचकर उन्होंने पार्षदों को आश्चर्यचकित कर दिया। 20 साल में महज ये दूसरा ही मौका है जब कोई सांसद नगर निगम सदन की बोर्ड मीटिंग में पहुंचा है। इससे पहले सांसद प्रोफेसर SP सिंह बघेल ही जलेसर के सांसद के रूप में बतौर पदेन सदस्य नगर निगम सदन में पहुंचे थे। उन्होंने देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के बाद नगर निगम में दिए गए अपने संबोधन से जहां पार्षदों और अधिकारियों का मन मोह लिया, वहीं आने वाले 5 साल में आगरा महानगर के विकास का खाका भी खींचा। सांसद ने बताया कि आगरा को कैसे स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा सकता है। उन्होंने नगर निगम सदन में दिए अपने संबोधन में ये संदेश देने का भी प्रयास किया कि बतौर आगरा के सांसद के रूप में उनकी ये पारी आगरा के विकास के साथ ही इस विश्वदाय स्मारकों की नगरी को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने और यहां नागरिक सुविधाओं की आपूर्ति के
साथ मूलभूत सुविधाओं की बेहतरी और भूजल स्तर, ट्रैफिक व क्लीन आगरा, ग्रीन आगरा के साथ आगरा के विकास के साथ ही इस विश्वदाय स्मारकों की नगरी को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने और यहां नागरिक सुविधाओं की आपूर्ति के साथ मूलभूत सुविधाओं की बेहतरी और भूजल स्तर, ट्रैफिक व क्लीन आगरा, ग्रीन आगरा के साथ नवीन आगरा के नारे को साकार करने के लिए समर्पित रहेगी। विजय बघेल, सी न्यूज़, आगरा।